वेलकम टू इंपल्स टेक्नोलॉजी। मैं हूं आपका टीचर दुर्गेश सर और आप देख रहे हैं इंपल्स टेक्नोलॉजी बाय दुर्गेश सर। देखिए दोस्तों, ये पहला लेक्चर है और ये लेक्चर है जावा का। ये इतना इंटरेस्टिंग लेक्चर है कि आप जावा को आसानी से सुन के ही प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, हम हर एक लेक्चर को ऐसे पुटअप करते रहेंगे और आप जावा आसानी से सीखते रहेंगे घर बैठे। ये लेक्चर जो है वो जावा की पहली लेक्चर है, यानी पहला क्लास है जावा का। देखिए दोस्तों, जावा है क्या, क्यों बनाया गया, किसने बनाया, आज के लेक्चर में हम हिस्ट्री देखेंगे जावा की। फिलहाल थोड़ा सा प्रोग्रामिंग भी इसमें सीख सकते हैं। वैसे स्टार्ट करते हैं जावा। देखिए क्या है दोस्तों, पहले जो सॉफ्टवेयर्स बनते थे, पहले सॉफ्टवेयर बनते थे वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होते थे। बहुत बड़ी प्रॉब्लम, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होते थे। इसका मतलब है कि अगर वो किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बना दिया गया तो वो दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में बिना चेंज नहीं चलते थे, यानी चेंज करना पड़ता था कोड्स को। तो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। यानी आपने विंडोज पे अगर सी के थ्रू कोई सॉफ्टवेयर बनाया है और आप सोचो कि उसे मैं लिनक्स पे चला दूं तो कॉम्प्लिकेशंस आने वाली हैं, क्योंकि कुछ कोड्स विंडोज पे सपोर्ट करते हैं, कुछ लिनक्स पे सपोर्ट नहीं करते या करते हैं, तो बहुत सारी चेंजेस आ जाती हैं। दैट्स व्हाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी की, यानी कि जो सॉफ्टवेयर बनता था पहले वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट था, यानी कि एक सिस्टम के लिए बनाओ वो उसी सिस्टम पे ही रन करता था। इस बात को सोचा एक साहब ने जिनका नाम है जेम्स गॉसलिन ने सोचा कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जाए जो कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो, यानी फ्री हो वो किसी भी टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलने के लिए, उसे जहां चलाया जाए उसे दोबारा मॉडिफाई नहीं किया जाए, वो डायरेक्ट चल जाए। तो इसके लिए जेम्स गॉसलिन साहब ने अपना सॉफ्टवेयर बनाया और वो 5 साल तक मेहनत करते रहे और उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसका नाम था ओक का मतलब होता है झाड़। तो ओक बनाया उन्होंने सन माइक्रोसिस्टम नाम की कंपनी, यानी उनकी कंपनी का नाम था सन माइक्रोसिस्टम में उन्होंने ओक बनाया जो कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं था। लेकिन 5 साल के बाद उन्होंने क्या किया कि जावा को ढूंढ लिया और उन्होंने ओक को जावा में कन्वर्ट कर दिया जो कि फुली इंडिपेंडेंट लैंग्वेज रही। यानी जावा क्या है, एक इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। कहीं भी वो एक आप विंडोज पे बनाओ, लिनक्स पे लेके जाओ, उसका प्रोग्राम आसानी से चल जाएगा, यानी उसके सॉफ्टवेयर किसी भी प्लेटफॉर्म पे चल सकते हैं। तो ये हिस्ट्री रही जावा की कि क्यों जावा बना। तो जावा एक बहुत ही मेलोडी टाइप का लैंग्वेज है जो जिसके प्रोग्राम्स कहीं भी इजीली चल सकते हैं। अब ये जावा जो है वो पूरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बहुत ही अच्छा टॉपिक होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे जो कि क्या होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। फिलहाल थोड़ी सी और हिस्ट्री। अब देखिए, जावा जब बनी तो पहला इसका वर्जन लॉन्च हुआ, इसका पहला वर्जन था J2SE, जावा 2 स्टैंडर्ड एडिशन। जावा 2 स्टैंडर्ड एडिशन उस समय एक बूम था डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के और गेम्स के, यानी कि ज्यादा से ज्यादा मार्केट में डेस्कटॉप एप्लीकेशन, यानी कि स्कूल के सॉफ्टवेयर हो गए, मेडिकल शॉप्स के सॉफ्टवेयर हो गए, गेम्स हो गए, इन सब चीजों को बनाया जाता था। तो गॉसलिन साहब ने एक सॉफ्टवेयर अलग से जावा का एक उन्होंने वर्जन लॉन्च किया जिसका नाम था J2SE, जावा 2 स्टैंडर्ड एडिशन, जिसको कोर जावा के नाम से जानते हैं और यही बेस है, इसी को हमें पढ़ना है। अगर आप इसे जानते हैं तो आप जावा का किसी भी सेक्शन आसानी से पढ़ सकते हैं। तो पहला वर्जन था J2SE, जावा 2 स्टैंडर्ड एडिशन। दूसरा वर्जन आया इसके बाद जब इंटरनेट का बूम हो गया, हर जगह वेबसाइट्स और सब के हर कंपनी में वेबसाइट्स का यूज होने लगा, सब ने वेबसाइट्स पे ध्यान देने लगे, सब ध्यान देने लगे, तो बनाया जावा 2 डबल ई, J2EE, जावा 2 इंटरप्राइज एडिशन। तो J2EE ये इंटरप्राइज एडिशन था, यानी ये वेब पूरी फुली वेब सपोर्टेड था, जहां पे वेबसाइट्स वगैरह हम आसानी से क्रिएट कर सकते थे, यहां पे हम फ्रंट एंड बैक एंड सब कुछ डिजाइन कर सकते हैं यूजिंग J2EE। नेक्स्ट वर्जन निकाला हूं साहब ने, जो कि अब मोबाइल पे बूम आ गया, हर जगह मोबाइल, मोबाइल के सॉफ्टवेयर, मोबाइल में गेम, एवरीथिंग ऑन मोबाइल। तो उन्होंने क्या किया कि एक नया वर्जन लॉन्च किया, जावा 2 ME, जावा 2 मोबाइल एडिशन, जिसमें मोबाइल के सॉफ्टवेयर बनने
लगे। फिर नेक्स्ट एडिशन कार्ड वगैरह का आया, तो बहुत सारे कार्ड शॉपिंग कार्ड्स वगैरह बनने लगे, तो जावा जो है इन सारे प्लेटफॉर्म्स में काम करने लगी। तो पहला हमारा पहले देखा J2SE, J2EE, J2ME और भी जावा कार्ड वगैरह बहुत सारे वर्जन्स निकले। मिलियंस बिलियंस ऑफ डिवाइसेस रन बाय जावा, कब बहुत सारे डिवाइसेस हैं जो जावा के ही थ्रू चलते हैं, या तो वेबसाइट्स वगैरह से बहुत कुछ जो जावा से, और मुझे लगता है कि बहुत बड़ी लैंग्वेज है जावा मार्केट की। तो जावा जो है वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब कि पूरा फुली ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है मैं पहले ये बता दूं कि ऑब्जेक्ट मतलब एक फिजिकल एंटिटी, कोई भी एक एंटिटी, नॉट फिजिकल, एक एंटिटी जिसका अपना स्टेट हो और बिहेवियर हो, वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। लाइक मी, मैं इस समय एक टीचर हूं और मेरा बिहेवियर है कि मैं आपको लेक्चर बता रहा हूं, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। वैसे ही मेरा रिकॉर्डिंग मोबाइल यानी मेरा कैमरा, कैमरा भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। उसका स्टेट क्या है कि एक अच्छे क्लास का या जो भी क्लास का कैमरा है और हम इसे रिकॉर्ड करते हैं। तो ऑब्जेक्ट जिसका अपना स्टेट हो और बिहेवियर हो वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। लाइक आप ही एक ऑब्जेक्ट हैं, आपका स्टेट क्या है, आप जावा के स्टूडेंट हैं और इंपल्स के स्टूडेंट हैं, और क्या है, तो आपका बिहेवियर, आप जावा पढ़ेंगे, आप लिखेंगे, तो ये है ऑब्जेक्ट। अब क्या है कि आप ही को देखें, तो आप जैसे बहुत सारे बच्चे इस समय पढ़ाई कर रहे हैं हमारे साथ, तो अगर मैं कहूं कि इनका क्लास चला रहा हूं मैं, यानी कि पूरे ऑब्जेक्ट का जो सेट होता है दैट इज कॉल्ड क्लास, तो क्लास मतलब कि ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड क्लास। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये फर्स्ट क्लास की, फर्स्ट क्लास का ये बोर्ड है, क्लियर है, तो मतलब कि क्लास है जिसमें ऐसे बोर्ड्स आते हैं, तो क्लास मतलब जिसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट, सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट, सेम बिहेवियर के ऑब्जेक्ट हो, दैट इज कॉल्ड क्लास। तो ये जो है पूरा ऑब्जेक्ट और क्लास पे डिफाइंड एक लैंग्वेज है जिसमें हम पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे। फिलहाल ऑब्जेक्ट का ही जो ऑब्जेक्ट है उसके बहुत सारे फीचर्स हैं। ऑब्जेक्ट तो सबसे पहले मैं बताया था पाई, पाई को फॉलो करता है, यानी पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस एंड इनकैप्सुलेशन को फॉलो करता है। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब होता है विच हैव मोर देन वन स्टेट, दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि जिसका एक से ज्यादा स्टेट हो वो क्या है, वो पॉलीमॉर्फिज्म है। अभी मैं यहाँ पे हूं आपको जावा पढ़ा रहा हूं, तो ये जो है मैं जावा का टीचर हूं, मैं अभी दूसरी क्लास स्टार्ट करता हूं जिसमें पाइथन, आप पाइथन के भी लेक्चर यूट्यूब पे पा सकते हैं। उस समय मैं क्या हूं, तो मैं पाइथन का टीचर हूं। तो देखिए मैं ही हूं लेकिन दो जगह दो काम है, एक जगह पाइथन की क्लास है और एक जगह जावा की क्लास है। दैट इज अ पॉलीमॉर्फिज्म, एक ऑब्जेक्ट के मल्टीपल बिहेवियर मल्टीपल जगह पे है, तो एक ही ऑब्जेक्ट, उसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। नेक्स्ट है हमारे पास इनकैप्सुलेशन और इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है, तो इनहेरिटेंस का मतलब होता है जहां पे सुपर क्लास यानी फादर क्लास के फीचर को चाइल्ड क्लास एक्सेस करता है, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। तो यानी कि अगर फादर क्लास है, अगर आपके पापा का कोई मोबाइल है ऑटोमेटिकली वो आपका है, तो अगर यहाँ पे फादर और चाइल्ड क्लास का अगर रिलेशन देखा जाए तो इनहेरिटेंस के केस में फादर क्लास के सारे फीचर्स चाइल्ड क्लास को ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं, जो कि जावा में पूरी तरह से है। नेक्स्ट है हमारे पास इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है रैपिंग ऑफ डेटा इनटू सिंगल एंटिटी, यानी कि डेटा को सिंगल एंटिटी से रैप कर दिया, लाइक चॉकलेट, चॉकलेट को भी एक रैपर में रख दिया जाता है, यानी वो चॉकलेट क्या है, इनकैप्सुलेट है, उसको कोई बाहर से नहीं जानता वो क्या है, अंदर खोलने के बाद ही पता चलेगा। जैसे कार, कार का बॉडी क्या है, बॉडी ही आपको दिखाई देता है और आप कहते हैं कार है, लेकिन उसके अंदर इंजन है, सब कुछ है, वो इनकैप्सुलेटेड है बॉडी के अंदर। तो ये भी पाई जो है, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन एंड इनहेरिटेंस, ये सारी चीजें जो है वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फीचर होते हैं। नेक्स्ट एक और फीचर होता है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि एसेंशियल फीचर्स को दिखाना और बाकी जो नेसेसरी नहीं है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको ना दिखाना। आप एटीएम में जाते हो, एटीएम में आपको वही चीजें मिलती हैं जो आपके जरूरत की हैं, अदरवाइज आपको और कुछ नहीं मिलता। ऐसे आप गाड़ी का ब्रेक ले लो, आप ब्रेक लगाते हो, आपको सिर्फ ब्रेक दिखाई देता है, गाड़ी को ब्रेक कैसा लग रहा है यू डोंट नो। तो एसेंशियल फीचर्स को देना, इंपॉर्टेंट फीचर को दिखाना और
जो नेसेसरी नहीं है इनको नहीं दिखाना, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। तो ये सारी चीजें जो है, क्लास हो गया आपका, आपका ऑब्जेक्ट हो गया, आपका पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, ये अगर सारी चीजें वो लैंग्वेज फॉलो करती है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, जो भी जावा करती है। तो जावा क्या है? एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। कभी कभी इंटरव्यू में पूछा जाता है कि जावा क्या प्योर है, तो जावा को ये कहा जाता है कि प्योर नहीं है, क्योंकि जावा प्रीमिटिव डेटा टाइप का इस्तेमाल करती है। दैट्स व्हाई जावा इज नॉट प्योर। प्रीमिटिव डेटा टाइप क्या होता है, हम डेटा टाइप के लेक्चर में देखेंगे कि प्रीमिटिव डेटा टाइप किसको कहते हैं। फिलहाल के लिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। ये तो कहानी हो गई पूरी की पूरी। अब जावा के प्रोग्राम को हम बनाएंगे कैसे? तो जावा के प्रोग्राम को बनाने के लिए हमें जावा को इंस्टॉल करना पड़ेगा। जावा को इंस्टॉल करने के लिए वैसे जेम्स गॉसलिन साहब ने जावा को दे दिया है ओरेकल को, यानी ओरेकल ने जावा को ले लिया है अपने अंडर में। यानी अब जावा किसका प्रोडक्ट है? ओरेकल का है। पहले जो सर्टिफिकेशन होता था जावा का, वो होता था SCGP का। अब ओरेकल कराती है तो OCGP का सर्टिफिकेशन होता है। यानी जावा जो है वो ओरेकल का प्रोडक्ट है। दैट्स व्हाई अगर आपको जावा डाउनलोड करना है या जावा के डॉक्यूमेंट सेक्शन देखना है, तो आप कहां देखेंगे? आप ओरेकल की साइट में देखेंगे। तो आपको अगर डाउनलोड करना है जावा, तो आप डाउनलोड करिए ओरेकल की साइट से। आपने जावा डाउनलोड कर लिया, आगे हम अब क्या करते हैं, जावा को इंस्टॉल करते हैं। डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर देना है, बाकी नेक्स्ट नेक्स्ट ऑप्शन आएंगे। आप इंस्टॉल कर दोगे तो आपके सी ड्राइव में जो भी ड्राइव आप देते हो, फिलहाल बाय डिफॉल्ट वो सी ड्राइव में चला जाएगा। सी ड्राइव में जाके इंस्टॉल हो जाएगा। वहां पे आपको JDK नाम का एक फोल्डर मिलेगा जावा के अंदर। आप JDK के अंदर जाओगे तो आपको दो फोल्डर और मिलेंगे, जिसका नाम है JDK और JRE। JDK और JRE, JDK का मतलब होता है जावा डेवलपमेंट किट। एक प्रोग्राम बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? तो जावा में कंपाइलर की जरूरत पड़ती है, कंपाइलर्स की और भी इंटरप्रेटर की। जावा इंटरप्रेटर भी यूज करता है। तो इन सब टूल्स को रखा गया है जावा डेवलपमेंट किट में, और जावा के JRE में जावा के रन करने के, यानी क्लास को रन कराने के सारे फीचर JRE में रखे हुए हैं। तो ये ओवरऑल जावा में, जावा के सी, आपके जावा के पैकेज में आपको मिल जाएगा, फोल्डर में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है, हम जावा को रन कैसे कराएंगे, जावा का पाथ कैसे सेट करेंगे। क्योंकि क्या है कि आपको पाथ भी सेट करना पड़ेगा आप जावा इंस्टॉल करोगे तो पाथ सेट करने के दो तरीके होते हैं। या तो आप पाथ टेम्पोरी सेट करोगे, या तो आप परमानेंट कर सकते हो। टेम्पोरी सेट करने के लिए आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना पड़ेगा और पाथ सेट करना पड़ेगा, जो कि मैं प्रैक्टिकल सेशन में प्रयास करूंगा कि मैं वो वीडियो अपलोड करूं। तो आप कमांड प्रॉम्प्ट से अपलोड कर सकते हैं, पाथ सेट कर सकते हो, या सीधे माय कंप्यूटर की प्रॉपर्टी से पाथ सेट कर सकते हो। फिलहाल ये पाथ सेट करने का वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट जो है लेक्चर, वो क्लास यानी प्रोग्राम के बनाने पे होगा, यानी प्रोग्राम कैसे हम बनाएंगे। आज के लिए ये सेशन हम इसी पे स्टॉप करते हैं, और जो है हम इसको नेक्स्ट यानी कल के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। किसके साथ? तो जावा में क्लास कैसे बनाएं, जावा में प्रोग्राम कैसे बनाएं, उसका मेन क्या होता है, जावा रन कैसे होती है, कंपाइल कैसे होती है। आप देखते रहिए वीडियो को कंटिन्यू, और लाइक करते रहिए, और अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।